वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू 2022 बलेरो पिकअप FB 1.7 टन मॉडल के बारे में, और साथ ही में आज हम आपको इसका एक्स शोरूम प्राइस बताएंगे जो कि है 8,89,000 रुपीज़। एंड ये जो हम आपको व्यूज़ प्राइस बता रहे हैं ये है हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डीलरशिप का। अब हम बात कर ले इसकी की के बारे में, तो इसकी कीज़ कुछ इस तरह से देखने मिलती हैं, कन्वेंशनल कीज़ देखने मिल जाएंगी। साथ में इसमें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं महिंद्रा का टोल नंबर भी दिया गया है, टोल फ्री नंबर आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा दोनों ही की के ऊपर। अब बात की जाए अभी इसके फ्रंट से, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको ज़्यादा चेंजेस देखने में नहीं मिलेंगे कंपेयर टू द पिकअप बलेरो कैंपर के मुकाबले, आपको यहाँ पे पिकअप में ज़्यादा चेंजेस देखने में नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये नोज़ ग्रिल का डिफरेंस डाला गया है, और इसमें जो आपको हेडलाइट्स का डिज़ाइन में चेंजेस देखने मिलेंगे टर्न लाइट इंडिकेटर के ऊपर, यहाँ पे ऑरेंज फिनिश दी गई है और पार्किंग लैंप हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलाइट्स, अगर आप चाहें तो फॉग लैंप्स इंस्टॉल करवा सकते हैं। फ्रंट में आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाता है, साथ ही में इसमें आपको जो फ्रंट में टो हुक यहाँ पर दिया गया है, रिफ्लेक्टिव टेप फ्रंट में मिल जाते हैं आपको, डिस्क ब्रेक्स साथ ही में स्टील किंग के टायर्स JK के टायर्स दिए गए इसमें, और इसमें जो आपको टायर मिलते हैं वो है ट्यूब टाइप टायर्स मिलते हैं, और टायर साइज मिलता है वो है 7.00R15LT के टायर्स मिल जाते हैं। इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो है 184 mm की, साथ में इस व्हीकल की ओवरऑल लेंथ है 1.7 मीटर इसकी विड्थ है, और हाइट है 0.65 मीटर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्न लाइट इंडिकेटर, यहाँ पर आपको देखने में महिंद्रा स्पीड सेट टू 80 km/h, स्पीड गवर्नर लगा हुआ इसमें, और भी मैनुअली एडजस्टेबल बलेरो पिकअप 1.7 टन की बैजिंग, लेदर फिनिश मिल जाती है यहाँ पे, और बाकी सेम फंक्शन देखने मिल जाएंगे को ड्राइवर डोर में और ड्राइवर डोर के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस जिसमें कि आपको फर्स्ट एड किट एंड व्हीकल का मैनुअल भी मिल जाता है, और इसका जो आप देख पाएंगे यहाँ पे रिफ्लेक्टर और इसके जो जैक एंड जैक टूल यहाँ पे दिए गए हैं, साइड स्टेप्स जो कुछ इस तरह से देखने मिल जाते हैं, अंडर वे का व्यू कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप। 60 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है इसमें, पावर स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ से कैबिन के अंदर जो है एयर वेंटिलेट होती है अगर आपने व्हीकल को कहीं पर खड़ा किया, तो इसलिए इस डिज़ाइन को यहाँ पर इंस्टॉल बनाया गया है एंड ये पैनल इंस्टॉल किए गए हैं। रेयर ग्लास फॉर कार्गो स्पेस की मॉनिटरिंग के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो होल डिज़ाइन की है इसकी वजह से जो है कार्गो एरिया में स्पेस के ऊपर पानी नहीं खड़ा होता है। साथ ही में इसमें जो आपको ये साइड की जो कंप्लीट बॉडी है इसे अगर आप फोल्ड करना चाहें तो फोल्ड कर सकते हैं अपना सामान उतारने के लिए, और इसमें आपको रेयर में ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग की बैजिंग, रेयर में महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी, टेल गेट के ऊपर रिफ्लेक्टिव टेप्स, पार्किंग सेंसर्स दो दिए गए हैं, हैलोजन बल्ब के साथ में रिवर्स टेल लाइट्स दी जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके स्पेयर व्हील और ग्राउंड क्लियरेंस कुछ इस तरह से देखने मिल जाएगी, ग्राउंड क्लियरेंस वो काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पर फ्यूल टैंक की ओपनिंग, ड्राइवर साइड में आए तो यहाँ पर आपको मिल जाती है हैंड ब्रेक, 6-way एडजस्टेबल सीट्स फ्रंट दोनों ही, जिसमें कि अगर आप चाहें तो ड्राइवर प्लस 2 पैसेंजर्स बिठा सकते हैं। यहाँ पे रीजनरेटिव एक्टिवेट करने के लिए बटन, हेडलाइट्स के कंट्रोल, आपको स्टेयरिंग व्हील कुछ इस तरह से देखने मिल जाएगा महिंद्रा के बैजिंग के साथ में, हुड ओपन करने के लिए लीवर यहाँ पे दिया गया है, और ये जो आप मैटिंग देख पा रहे हैं ये अलग से एक्सेसरी के तौर पर यहाँ पर इसमें लगाई गई है। इसमें जो आपको इंजन मिलता है वो है 2.5 लीटर TB 4-सिलेंडर टर्बोचार डीजल इंजन, मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 75 BHP की टॉर्क जनरेट करता है 200 Nm का। साथ में महिंद्रा अपनी बलेरो पिकअप के ऊपर जो स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर करती है वो 3 years and 1 lakh km की। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फ्यूज़ एंड रिलेज, साथ में कूलेंट टैंक यहाँ पे इजीली एक्सेसिबल है, पावर स्टीयरिंग का व्हील का टैंक यहाँ पे दिया गया है, और इसमें जो आपको ब्रेक फ्लूइड टैंक एंड क्लच फ्लूइड टैंक जो यहाँ पर मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका विंडशील वॉशर फ्लूइड टैंक। इसमें जो आपको गियर बॉक्स मिलता है वो है 5-speed manual plus 1 reverse
अब मैं बात करूँ यहाँ से लेगरूम एंड हेडरूम स्पेस की ड्राइवर साइड से, तो जैसे कि देख सकते हैं सर ड्राइवर साइड में बैठे हैं तो इनके लिए लेगरूम एंड हेडरूम स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। साथ ही में इसमें जो आपको फ्रंट का व्यू कुछ इस तरह से देखने मिल जाएगा, बाहर का काफ़ी क्लियर विजिबिलिटी मिल जाती है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होल्ड करने के लिए स्पेस नहीं दी गई। सनवाइजर के ऊपर मैनुअल लिविंग फंक्शन के साथ में IRBM, और यहाँ पे भी आप देख पाएंगे ड्राइवर साइड के तरह ही सनवाइजर। इसमें जो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिल जाती है दोनों तरफ, यहाँ पे भी दी गई है। इंफोटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल कराने के लिए जगह, पार्किंग इंडिकेटर्स का एक्टिवेट कर सकते हैं इस बटन को प्रेस करके एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस। और यहाँ पे दी गया है 12 वोल्ट पावर पॉइंट, 120 वोल्ट की मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफर करता है। गियर शिफ्टिंग स्टिक कुछ इस तरह से देखने मिल जाती है इंटीरियर में, एंड इसके ऊपर लेदर फिनिश दी गई है। अब करें बात इसकी MID की, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो की होल्डर में की कुछ इस तरह से इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से देखने मिल जाएंगी। फ्यूल लेवल, कूलेंट टेम्परेचर, कितने किलोमीटर चला व्हीकल, वो एवरेज स्पीड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसमें आपको यहाँ पे मिल जाते हैं हर एक इंपॉर्टेंट लाइट्स। और व्यूज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।